द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखे से फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किसके एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है, इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्यों को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है। लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है, उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में दो ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है। यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते है जहाँ अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं। बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है नागा अर्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुःस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे, प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान, मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो अतत प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में एनसीबी में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई, क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतीश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है, क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है।
विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जांच करके अपनी जांच शुरू की, जबकि अनु एक व्यवसायिक यात्रा पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भला फुसला कर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में एनसीबी शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है। केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयर धारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे। विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरीश से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है। द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखे से फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किसके एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्य को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई
चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है। लेकिन निर्देशक ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है। उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है। लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में 2 ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है। यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते हैं, जहां अदिति बुरी संगत में फंसती है। लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं। बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है नागा अर्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुःस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे, प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान, मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो अंततः प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में NCB में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई, क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतीश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है, क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है। विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जाँच करके अपनी जाँच शुरू की, जबकि अनु एक व्यवसायी के आधार पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भाला फुसलाकर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है, जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में NCB शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है, केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयर धारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे।
विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरी से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है। द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखे से फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किसके एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्यों को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है, लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है, उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में दो ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है। यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते हैं, जहाँ अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं, बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है नागा अर्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुःस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे,
प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो अतत प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में एनसीबी में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतीश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है। विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जांच करके अपनी जांच शुरू की, जबकि अनु एक व्यवसायिक यात्रा पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भला फुसलाकर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है, जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहाँ उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में एनसीबी शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है। केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयर धारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे। विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरीश से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है।
द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखिए इसे फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म में दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किस्से एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के स्तर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है, इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्यों को छोड़कर अब कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है, लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है, उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में दो ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है। यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते हैं जहाँ अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं। बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जानिए क्या है नागार्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुःस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे, प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान, मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो अतत प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में एनसीबी में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई, क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतीश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है, क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है।
विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जांच करके अपनी जांच शुरू की, जबकि अनु एक व्यवसायी यात्रा पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भाला फुसलाकर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में एनसीबी शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है। केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयर धारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद की कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे। विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरीश से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है। द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखे से फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किसके एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्यों को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई
चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है। लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है। उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में 2 ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है। यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते हैं, जहाँ अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं। बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है नागा अर्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुःस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे, प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान, मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो अंततः प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में NCB में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई, क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतिश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है, क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है। विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जाँच करके अपनी जाँच शुरू की, जबकि अनु एक व्यावसायिक यात्रा पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय आदित्य और उसके दोस्तों को भला फुसलाकर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है, जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में NCB शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है। केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयरधारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे।
विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरीश से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वो बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी, उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है। द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखे से फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किसके एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के स्तर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है, इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्यों को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है, लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है, उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में दो ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है। यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते है, जहाँ अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं। बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है नागार्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुःस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे
प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वह गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह अतत प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में एनसीबी में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतीश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है। विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जांच करके अपनी जांच शुरू की, जबकि अनु एक व्यवसायिक यात्रा पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भला फुसला कर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है, जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में एनसीबी शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है। केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयर धारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे। विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरीश से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है।
द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखे इसे फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किसके एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्य को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है, लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है, उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में दो ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है। यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते हैं जहाँ अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं। बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है नागार्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुःस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे, प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान, मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो अंततः प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में एनसीबी में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई, क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतीश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है, क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है।
विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जांच करके अपनी जांच शुरू की, जबकि अनु एक व्यवसायी के आधार पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भाला फुसलाकर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में एनसीबी शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है। केवल ये जानने के लिए कंपनी के शेयर धारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे। विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरीश से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है। द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखे से फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किसके एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्यों को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई
चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है, लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है, उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में 2 ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है। यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते हैं, जहाँ अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं। बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Netflix पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Netflix का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है नागा अर्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे, प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान, मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो अतत प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में NCB में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई, क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतीश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है, क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है। विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जाँच करके अपनी जाँच शुरू की, जबकि अनु एक व्यवसायिक यात्रा पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भला फुसला कर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है, जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में NCB शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है। केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयरधारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे।
विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरीश से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है। द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखे इसे फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म में दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किसके एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के स्तर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्यों को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है, लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है, उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में दो ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है। यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते हैं, जहाँ अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं। बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जानिए क्या है नागार्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुःस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे
प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वह गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह अतत प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में एनसीबी में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतीश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है। विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जांच करके अपनी जांच शुरू की, जबकि अनु एक व्यवसायी यात्रा पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भाला फुसला कर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है, जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में एनसीबी शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है। केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयर धारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे। विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरीश से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है।
द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखे इसे फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरुर वेगा किसके एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्यों को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है। लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है, उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में दो ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है। यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते हैं जहाँ अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं। बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है नागा अर्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुःस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे, प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वह गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह अंततः प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में एनसीबी में शामिल हो गई। वह उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतिश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है।
विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जांच करके अपनी जांच शुरू की, जबकि अनु एक व्यवसायिक यात्रा पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भाला फुसलाकर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में एनसीबी शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है। केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयर धारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे। विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरीश से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है। द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखे से फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किसके एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के स्तर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है, इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्यों को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई
चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है, लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है, उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में 2 ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है, यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते है जहाँ अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं। बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है नागा अर्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुःस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे, प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान, मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो अतत प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में NCB में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई, क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतीश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है, क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है। विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जाँच करके अपनी जाँच शुरू की, जबकि अनु एक व्यवसायिक यात्रा पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भला फुसला कर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है, जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में NCB शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है। केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयरधारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे।
विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरीश से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है। द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखे इसे फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किसके एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्य को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है, लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है, उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में दो ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है। यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते हैं, जहाँ अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं। बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है नागार्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुःस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे
प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वह गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह अंततः प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में एनसीबी में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतीश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है। विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जांच करके अपनी जांच शुरू की, जबकि अनु एक व्यवसायी के आधार पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भाला फुसलाकर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है, जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में एनसीबी शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है। केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयर धारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे। विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरीश से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है।
द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखें इसे फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किसके एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्यों को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है, लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है, उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में दो ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है। यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते हैं जहाँ अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं, बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है नागा अर्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे, प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान, मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो अतत प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में एनसीबी में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई, क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतीश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है, क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है।
विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जांच करके अपनी जांच शुरू की, जबकि अनु एक व्यवसायिक यात्रा पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भला फुसलाकर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में एनसीबी शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है। केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयर धारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे। विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरीश से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है। द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखे इसे फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन नवनीत इस फिल्म में दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किस्से एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव किस तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है, इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्यों को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई
चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है, लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है, उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में 2 ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है। यहां तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते हैं, जहां अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहां वहां उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं। बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जानिए क्या है नागा अर्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुःस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे, प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान, मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो अतत प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में NCB में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई, क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतीश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है, क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है। विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जाँच करके अपनी जाँच शुरू की, जबकि अनु एक व्यवसायी यात्रा पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भाला फुसलाकर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है, जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में NCB शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है, केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयरधारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे।
विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरी से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है। द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखे से फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किसके एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्यों को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है। लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है, उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में दो ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है। यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते हैं, जहाँ अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं। बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है नागा अर्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुःस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे
प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वह गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह अंततः प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में एनसीबी में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतीश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है। विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जांच करके अपनी जांच शुरू की, जबकि अनु एक व्यावसायिक यात्रा पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भाला फुसलाकर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है, जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में एनसीबी शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है। केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयर धारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे। विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरीश से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है।
द घोस्ट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखे इसे फ्री में। नई तरह की कहानियों के साथ यात्रा करना पसंद करने वाले नागार्जुन अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान उसी तरह आकर्षित किया है जैसे गुरूर वेगा किसके एक्शन फिल्मों में नया आयाम खोजने वाले प्रवीण सत्तारू ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। प्रचारात्मक छवियों ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। नागार्जुन की इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसमें ऐसे तत्व है जो उनकी तुलना में शिव के तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? विक्रम एक इंटरपोल अधिकारी है, वो प्रिया से दुबई में काम करता है, दोनों प्यार में है। एक ऑपरेशन में भाग लेने के दौरान एक घटना में एक बदमाश के हाथों एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। इसका विक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो मानसिक रूप से उदास हो गया। उसके साथ प्रिया उससे दूर हो जाती है। इस बीच विक्रम को अनु का फोन आता है। अनु उसे और उसकी बेटी अदिति को बचाने के लिए कहती है। विक्रम ऊटी के लिए रवाना हो गया है और उस दौरान उन्हें क्या अनुभव हुए, ये कौन है, इसके और विक्रम के बीच क्या संबंध है, उसे किससे खतरा है और विक्रम ने उसके परिवार को कैसे बचाया, ये स्क्रीन पर देखना होगा। एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर, ऐसा लगता है कि फिल्म क्रू ने कहानी से ज्यादा एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही यहाँ वहाँ के कुछ दृश्यों को छोड़कर आप कहानी से जुड़े नहीं पाते हैं, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी चुनी गई हो। फिल्म कितनी भी स्टाइलिश क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों को कहानी से जोड़ना होता है। इसमें निर्देशक ने वो मौका गंवा दिया है। नायक के बचपन में घटी घटनाएं उसके बड़े होने के तरीके से शुरू होकर भाई चारे के बंधन को प्रकट कर सकती है, लेकिन निर्देशक का ध्यान स्क्रीन पर अपनी ट्रेडमार्क लड़ाई कौशल प्रदर्शित करने पर अधिक है। कहीं कोई भावना नहीं है, उन नायकों को जोड़ी के आसपास भावनाओं के लिए भी जगह है जो एक साथ रहती है और फिर 5 साल के लिए अलग हो जाती है, लेकिन उस मामले का फैसला भी सतह पर ही हो गया था। कहानी दुबई में दो ऑपरेशन से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य लड़ाई झगड़े जैसे टेम्पलेट का अनुसरण करते हैं, जिसके बाद एक गीत आता है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, फिल्म थोड़ी दिलचस्प होने लगती है। नायक के बचपन के साथ साथ फ्लैशबैक एपिसोड्स के साथ अनु के साथ रिश्ता थोड़ा पटरी से उतर गया लगता है, यहाँ तक कि ये दृश्य भी अप्रासंगिक लगते है जहाँ अदिति बुरी संगत में फंसती है, लेकिन उसके बाद फिल्म फिर से अपनी पकड़ खो देती है। हालांकि यहाँ वहाँ उतार चढ़ाव है, लेकिन लंबे और अप्राकृतिक लड़ाई के दृश्य बिल्कुल भी मनोभावन नहीं है। निर्देशक ने माफिया साम्राज्य और कॉर्पोरेट घरानों में होने वाली घटनाओं की स्टाइलिश और प्राकृतिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फ्लैगशिप दृश्य मायने रखते हैं, बड़ी बंदूक के साथ हंगामा मुझे हाल की कुछ फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है नागार्जुन और सोनल चौहान की एक्शन थ्रिलर फिल्म द घोस्ट की कहानी, वह भी हिंदी में। विक्रम नायडू दुबई में एक इंटरपोल की फील्ड एजेंट है, जो 1984 में नई दिल्ली में हुए एक दंगे के बारे में क्रोध प्रबोधन और दुःस्वप्न से पीड़ित है, जिसमें उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब वो 10 साल के थे, प्रिया के साथ एक भारतीय बिजनेस मुगल के बेटे को बचाने के मिशन के दौरान, मिशन में विक्रम की दृढ़ता के कारण लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद विक्रम में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो अतत प्रिया के साथ टूट जाता है। 5 साल बाद विक्रम इंटरपोल से सेवानिवृत्त हो गया है और एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम करता है। कभी कभी इंटरपोल को अपने मिशन में मदद करता है। अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अय्यर के साथ एक सत्र के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप के बाद प्रिया भारत वापस चली गई और मुंबई में एनसीबी में शामिल हो गई। वो उसे यह भी बताता है कि उसे उसकी अलग रह रही बहन और कॉरपोरेट व्यवसायी अनुपमा अनु नायर का फोन आया था, जो 20 साल बाद नायर समूह का व्यापारिक समूह चलाती है। विक्रम ऊटी के लिए निकल जाता है और अनु के पिता नागेंद्र नायडू, जो भारतीय सेना में एक कर्नल थे, द्वारा गोद लिए जाने के अपने जीवन की याद दिलाता है और उन्हें दंगों में मारे जाने से बचाता है। सालों बाद अनु उन दोनों से अलग हो गई, क्योंकि नायडू ने बिजनेस मोगुल अशोक नायर के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। नीतीश जनक नायडू का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने विक्रम से वादा किया कि वह अनु की रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ऊटी में अनु की संपत्ति पर पहुंचने के बाद विक्रम अनु से मिलता है, जो बताता है कि उसे मौत की धमकियां मिल रही थी और उसे डरा था कि उसकी बेटी अदिति खतरे में है, क्योंकि उसके अंगरक्षक भी भरोसेमंद नहीं है। अनु विक्रम से अदिति की रक्षा करने का अनुरोध करती है और विक्रम उसे अदिति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहता है।
विक्रम ने अशोक नायर के परिवार में जांच करके अपनी जांच शुरू की, जबकि अनु एक व्यवसायिक यात्रा पर निकल जाती है। विक्रम धीरे धीरे अदिति के व्यवहार और आदतों को बदलने लगता है। अदिति और उसके दोस्त विक्रम को डाइवर्ट करते हैं और गोवा की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय अदिति और उसके दोस्तों को भला फुसलाकर अगवा कर लिया जाता है, लेकिन विक्रम उनके ठिकाने का पता चलने पर उन्हें बार बार बचा लेता है। बाद में अदिति ने खुलासा किया कि वो विक्रम के बारे में जानती है। एक दिन विक्रम और अदिति पर एक बम विस्फोट होता है जो अनु की संपत्ति पर अदिति के लिए था। एक कार दुर्घटना में अनु की मौत हो जाती है। यह पता चलता है कि दुबई में मिशन के बाद विक्रम एक हत्या की होड़ में चला गया और उसके अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टरों और अपराधियों को मार डाला, जहां उसे भूत कहा जाता था। बचे हुए गैंगस्टर और अपराधी विक्रम के तांडव से डरने लगे और बाद में उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें बख्श दिया। विस्फोट से बचने के बाद विक्रम और अदिति प्रिया के साथ भाग जाते हैं, जहां उन्हें अनु की मौत के बारे में भी पता चलता है। मुंबई में एनसीबी शामिल होने के बाद प्रिया ने खुलासा किया कि हमला स्कॉर्पियन द्वारा करवाया गया था, जो मानव तस्करी, हत्या और नशीले पदार्थों का कारोबार चलाता है। विक्रम प्रिया को पंकज नायर, अनु के बहनों पर स्कॉर्पियो हायर करने का और उसका फोन हैक करने का संदेह है। केवल यह जानने के लिए कंपनी के शेयर धारक हरीश और सिरन समूह के वारिस सिद्धांत नायर उन पर हमलों में शामिल थे। यह अनुमान लगाने के बाद कि कंपनी में अनु के शेयर अदिति को नामांकित किए जाएंगे और निदेशक मंडल के 70% शेयर सिरन समूह को हस्तांतरित कर देंगे और कंपनी को उनके साथ विलय कर देंगे। विक्रम ने अदिति को जीवित होने और बैठक को रद्द करने का प्रबंध करने के लिए खुद को प्रकट करने के लिए कहा। बिच्छू को विक्रम के अतीत के बारे में उसके पिता लाला से पता चलता है, जिसका परिवार उसके क्रोध के दौरान उसका शिकार बन गया। विक्रम अदिति और प्रिया हरीश से पूछताछ करते हैं और कर्नाटक के नरसापुर में स्कॉर्पियो के फार्म हाउस के बारे में सीखते हैं। प्रिया स्कॉर्पियन के फार्म हाउस की ओर जाती है, जबकि विक्रम हरीश के साथ सिद्धांत के घर जाता है। विक्रम की पहचान जानने के बाद सिद्धांत विक्रम पर हमला करता है और हरीश गोलीबारी में मारा जाता है। गहन युद्ध के बाद विक्रम सिद्धांत को वश में करने और मारने में सफल होता है। हालांकि वो लाला के दाहिने हाथ साधु और उसके आदमियों से घिरा हुआ है, लेकिन लाला उन्हें विक्रम को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे प्रिया द्वारा बिच्छू को प्रताड़ित करने का एक वीडियो मिला। लाला गोवा के चर्च में पहुंचता है, जहां बिच्छू रखा जाता है और विक्रम से उसे रिहा करने की विनती करता है। वह बताता है कि अनु जीवित है और दुर्घटना में बच गई थी। उसने सौदेबाजी की चीप के रूप में उसे जीवित रखा, यह पूरी तरह से जानते हुए कि आवश्यकता उत्पन्न होगी। लाला के आदमी अनु को चर्च में लाते हैं, जबकि विक्रम बिच्छू को कटा हुआ सिर उसके पास फेंक देता है। क्रोधित और व्याकुल लाला ने विक्रम और प्रिया पर एक पूर्ण हमला किया। हालांकि विक्रम और प्रिया दोनों ही हावी हो जाते हैं और लाला और उसके आदमियों को मार डालते हैं। अनु अदिति के साथ फिर से जुड़ती है और सिरन ग्रुप को नायर ग्रुप में विलय करके कंपनी में शामिल हो जाती है। वह पंकज को नायर ग्रुप का चेयरपर्सन नियुक्त करती है। बाद में विक्रम और प्रिया एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अदिति से बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अब क्रैबिज विश्वविद्यालय में भर्ती है।